राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि यूपी समेत चार राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद राजस्थान में भी बुलडोजर की एंट्री हो गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश मंत्री मुकेश दादीच, विधायक मदन दिलावर, जयपुर शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा समेत पार्टी नेताओं ने बुलडोजर पर विजय जुलूस निकाला। साथ ही रंग गुलाल से होली खेली, हिंदू और राम के गीतों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जमकर नाचे। चार राज्यों की जीत से राजस्थान बीजेपी में जश्न का माहौल है। जीत से उत्साहित बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यूपी की जीत में ही भविष्य में राजस्थान में बीजेपी की प्रचंड जीत छिपी है। पंजाब को छोड़कर बाकी सभी जगह बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है। हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी चार राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करेगी, पूनिया ने कहा। उत्तर प्रदेश पर पूरी दुनिया की निगाहें थी, वहां के परिणाम उत्साहजनक है। उम्मीद है बहुत अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। रिजल्ट से संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस को पूरे देश में नीतियां, विचार और व्यवहार के आधार पर जनता ने नकार दिया है, पूनिया ने कहा। इस चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय दल तक सीमित हो जाएगी। यूपी के चुनाव को सभी राजनीतिक दलों ने प्रयोगशाला बना दिया था। राष्ट्रवाद के साथ मोदी और योगी का जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें विचार, नीति, व्यवहार और विकास सब चीजें दिखती है, आने वाले समय में इस तरह का मॉडल राजनीति में अच्छा संकेत है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, पांच राज्यों के चुनाव रुझान अब ये दिखा रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के आधार पर हर प्रदेश के लोग उनके नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से चली आ रही है। मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के नतीजे भी साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।